रजनीकांत 31 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे। तमिल राजनीति में छठे बड़े फिल्मी सितारे की एंट्री। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एक्टर ने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। रजनीकांत ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के बारे में औपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। रजनीकांत पिछले कई महीनों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सियासी पारी को लेकर अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी बनाने और विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक और एक्टर की एंट्री होगी। इससे पहले वहाँ फिल्मी कलाकार राजनीति में कामयाबी हासिल करते रहे हैं। रजनीकांत ने पिछले साल एक्टर कमल हसन के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। तब रजनीकांत ने कहा था कि राज्य की जनता के हितों को देखते हुए यदि कमल हसन के साथ गठबंधन करने की स्थिति बनती है तो वे जरूर एक दूसरे के साथ आएंगे।